सियासत ने दोवां भरावां च पवाई धुरी। कातियां दा दिलचस्प मुकाबला, इको कोठी उत्ते झूलेगा दो पार्टियां दा झंडा। 2022 दियां विधानसभा चोणां बेहद दिलचस्प होण जा रहीआं ने। इस बार तुहानूं पुराने चेहरियां दी थां कई नवें चेहरे चोण लड़दे दिखाई देणगे। किते मंजे होए नेतावां नूं मिट्टी दे पुत किसान आगू टक्कर दिंदे दिखाई देणगे, पर एक सीट अजिही है जिथे भरा नूं भरा टक्करेगा। असी गल कर रहे हां पंजाब दी होट सीट कातियां दी, जिथे बाजवा भरावां दी टक्कर होवेगी। प्रताप बाजवा कांग्रेस की टिकट से उन्होंने छोटे भरा फतेह जंग बाजवा भाजपा की टिकट तो मैदान विच ने। एक पासे प्रताप बाजवा ने जिन्हों का सियासत विच लंबा तजर्बा, ते दूजे पासे उन्हों का छोटा भरा फतेह जंग बाजवा जिसनों हथ फड़ के वह सियासत विच लैके आए ने। दस दईए कि फतेह जंग बाजवा नवजोत सिद्धू ने थापड़ा भी दिता सी। कहनू वान विच फतेह जंग दे हक विच वड्डी रैली कीती गई सी, पर वड्डे भरा वल्लों कातियां सीट तो दावा ठोके जाण अते कांग्रेस दी इक परिवार तो एक ही व्यक्ति नूं टिकट दित्ते जाण दी पॉलिसी दे चलदे फतेह जंग बाजवा ने कांग्रेस तो किनारा कर लिया ते भाजपा दा कमल हथ विच फड़ लिया। भाजपा ने वड्डा दा खेड़दे होए कातियां तो फतेह जंग बाजवा नूं उतार के भरा दी भरा नाल जंग करवा दित्ती है। हुण यह मुकाबला बेहद खास होने जा रहा है। एक ही घर च दो पार्टियां की सियासत चलेगी, पर बाजवा भरावां दे घर झंडा किस पार्टी का झूलदा है यह देखना दिलचस्प होगा। जेकर कादियां सीट ते जाति समीकरण की गल करिए 51% आबादी जट सिख की है, जदों की 31% हिंदू आबादी है। जेकर इस सीट ते इतिहास की गल की जाए तो 1972 तो हुण तक इस सीट तो 6 बार अकाली दल जित चुका है, जदों की 4 बार कांग्रेस की झोली विच इह सीट पई है। फतेह जंग बाजवा इस सीट तो मौजूदा विधायक ने। कुल मिला के यह सीट ज्यादातर अकाली दल के कब्जे विच रही है, पर बीते काफ़ी समय तो इत्थे बाजवा परिवार का ही कब्जा है। कांग्रेस के तृप्त राजेंद्र बाजवा भी 1992 ते 2002 विच दो बारे सीट जित चुके ने। जित दा इतिहास देखने तो पता लगता है कि यह सीट अकाली दल तो कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट बन चुकी है। खास तौर पर यह सीट बाजवा के प्रभाव वाली सीट है। कादियां सीट की गल करिए 1972 विच अकाली दल के सतनाम सिंह बाजवा जिते, 1977 दे विच महेंद्र सिंह अकाली दल दे चिते, 1980 च अकाली दल दे महेंद्र सिंह चिते, 1985 च अकाली दल दे कुलवंत सिंह चिते, 1992 च कांग्रेस दे तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा चिते, 1997 विच अकाली दल दे नत्था सिंह दालम चिते, 2002 विच कांग्रेस दे तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा चिते, 2007 विच अकाली दल दे लखबीर सिंह लोधी नंगल चेते, 2012 विच कांग्रेस दे चरणजीत कौर बाजवा चेते, ते फिर 2017 विच कांग्रेस दे फतेह जंग बाजवा चेते। ते हुण 2022 च इस सीट लई भरा भरा नाल भिड़ेगा। दोवां भरावां दे सियासी सफर की गल करिए तां वड्डे भरा प्रताप सिंह बाजवा नूं सियासत दा लंबा तजुर्बा है, पर बीते काफ़ी समय तो वह दिल्ली की राजनीति विच सरगर्म ने, जिसका कुछ नुकसान उन्होंने हो सकता है। दूजे पासे फतेह जंग बाजवा विधायक रहिंदे होए बीते 5 सालों तो इत्थे लोकां विच विचर रहे ने। उन्होंने इत्थों तक दावा किया कि पंजाब दीआं टॉप 10 जितण वालीआं सीटां विच कादियां शामिल है, ते इह उन्हां दे कीते होए काम की बदौलत है। छोटे भरा नूं इह वी गिला है कि प्रताप बाजवा चाहुंदे तां उह कितों वी चोण लड़ सकदे सी, पर जिस भरा दे पैरां थले उन्होंने रैड कारपेट बिछाए उसे भरा ने उसे दे पैरां दी जमीन खिंचण दी कोशिश कीती। प्रताप बाजवा दे सियासी सफर की गल करिए तां सतनाम सिंह बाजवा दे वड्डे पुत्तर प्रताप सिंह बाजवा 3 बार विधायक ते पंजाब सरकार विच मंत्री रह चुके ने। 1976 विच प्रताप बाजवा ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो शुरुआत की थी। 1982 विच ओ पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके ने।
प्रताप बाजवा बेअंत सिंह रजिंदर कौर पठल ते अमरिंदर सिंह दी सरकार दे समय मंत्री भी रहे। 2016 तो राज्यसभा मैंबर ने जिस दे चलदे पंजाब दी सियासत तो काफी समय तो दूर चल रहे ने। हालांकि इक्का दुक्का बयान दे के वो अपनी मौजूदगी पंजाब दी सियासत विच दर्ज करवाउंदे रहे ने। प्रताप बाजवा 1992 2002 ते 2007 विच कानूवाल तो विधायक बने। 2009 तो 2014 तक गुरदासपुर तो लोकसभा मैंबर रहे। 2009 विच उन्होंने गुरदासपुर तो चार वार दे जेतू एक्टर विनोद खन्ना नूं हरा के अपना लोहा मनवाया सी। 2013 विच प्रताप बाजवा पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान बने। राजनीति तो इलावा प्रताप बाजवा समाज सेवा दे काम विच भी सरगर्म रहिंदे ने। ओ एनजीओ आधार फाउंडेशन चलाउंदे ने जिस अधीन गरीबां लई मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जांदे ने। प्रताप बाजवा खेडां दे भी शौकीन ने। 2002, 2008 ते 2015 विच ओ जूडो फेडरेशन पंजाब दे प्रेजिडेंट रहे। 2018 विच जूडो फेडरेशन आफ इंडिया दे प्रेजिडेंट बने। दूजे पासे फतेहजंग बाजवा दी गल करिए तां सियासत विच उन्हां नूं लै के आउण वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रताप बाजवा ही ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही सलाह दित्ती सी कि श्री हरगोबिंदपुर साहिब तों बाजवा परिवार किसे नूं तैयार करे, जिस दे चलदे 2002 विच फतेहजंग बाजवा ने सियासत विच एंट्री कीती। उस समय वह श्री हरगोबिंदपुर साहिब तो आजाद उम्मीदवार के तौर उत्ते लड़े, पर अकाली दल के कैप्टन बलबीर सिंह बाठ तो 2100 वोटों के फर्क नाल हार गए। 2007 विच फतेहजंग बाजवा कांग्रेस की टिकट तो श्री हरगोबिंदपुर साहिब तो लड़े। इस बार भी मैच 1200 वोटों नाल उन्होंने अकाली दल के कैप्टन बलबीर सिंह बाठ तो हार का सामना करना पड़ा। 2012 विच श्री हरगोबिंदपुर हलके नूं एससी भाईचारे लिए रिजर्व कर दिता गया, जिस तों बाद फतेहजंग बाजवा ने अपना फोकस कादियां हलके वल शिफ्ट कर लिया। पर 2012 विच उन्हां दी थां प्रताप बाजवा की पत्नी चरणजीत कौर बाजवा नूं टिकट दिती गई, जिसने ये सीट जीत के कांग्रेस की झंडी बुलंद रखी। फतेहजंग बाजवा ने कहा कि प्रताप बाजवा ने मां गुरबचन कौर नूं 2012 विच कादियां तो टिकट देण दा वादा कीता सी, पर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। 2016 विच गुरबचन कौर का देहांत हो गया। 2017 दीआं चोणां दे सर्वे विच चरणजीत कौर बाजवा की हार हुंदी देख फतेहजंग बाजवा नूं चोण मैदान विच उतारिया गया, पर इस बार प्रताप बाजवा अपने ही भरा नाल गेम खेड गए ते उसदी जीती हुई सीट ते दावा ठोक दिता। जदों दावेदारी ठोकन तो बाद बाजवा तो पुछया गया कि फतेहजंग बाजवा की करनगे, तां उन्हां साफ कह दिता सी कि वह अपना आप देखण। फतेहजंग बाजवा दे भाजपा च जाण तो बाद उन्हां कहा सी कि हर पंछी नूं उड्डण दा हक है। हुण देखना होवेगा कि भरावां दी जंग विच कौण जितदा है। वैसे एक गल है कि बाजवा भरावां दे घर ते झंडा चाहे किसी भी पार्टी का झूले, विधायकी उन्हां दे घर आउंदी दिखाई दे रही है। खैर लीडरां दा तां काम ही है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देखते हैं कि जनता इन्हां नूं की फतवा सुनाउंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट।